एक हम लोग थोड़ा सा टेक्स्ट है, जैसे इस वाली शीट के अंदर ये टेक्स्ट दिया हुआ है कुछ, इसमें टेक्स्ट जो है वो मिडल में हुआ हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इसको अलाइन करना चाह रहे हैं सारे टेक्स्ट को, और हम लोग चाह रहे हैं जिस तरह से एक यहाँ पे हम लोग फार्मूला अप्लाई करके देख लेते हैं। एक है ट्रिम का फार्मूला, ट्रिम, ठीक है। हम इक्वल टू लगाएंगे और ये सारे अब आपके टेक्स्ट को ठीक करने के लिए, यानी कि एक जैसे आपके ट्रिम अगर हम लोग इसको लगाते हैं तो ये देखें कि ये ऐसे, ये ना एक ये सेल है ना, पूरे का पूरा सेल, ये इसके दरमियान में लिखा हुआ है। तो अक्सर होता है कि शीट के अंदर दरमियान में लिखा हुआ टेक्स्ट अच्छा नहीं लग रहा होता, तो हमने जब उसको ट्रिम किया तो वो उसने उसको बिल्कुल साथ लगा दिया लेफ्ट साइड पे। अब हम लोग जैसे यही वाला फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करके, ये साउथ है जैसे, इसको ड्रैग करेंगे नीचे, तो जितनी भी इसकी चीज़ें, ये वाला था, ये वाला जो कॉलम है, ये पूरा आपका ये इस तरह से साथ लग गया है लेफ्ट साइड पे, क्योंकि अक्सर होता है जब हम लोगों ने इसको सेंटेंस केस में देना होता है। इसके बाद जैसा से ये वाला, इसके ऊपर हमने ट्रिम का फार्मूला लगाया एक, ठीक है। अब हम इसके ऊपर एक और फार्मूला लगाते हैं, इसके अंदर हम इसको प्रॉपर, एक प्रॉपर का भी फार्मूला है, प्रॉपर का फार्मूला लगाते हैं। प्रॉपर में इक्वल टू प्रॉपर करेंगे, प्रॉपर लिखा, और हम लोग इसको यही वाला टेक्स्ट दे देते हैं और फिर इसे देखते हैं। अब ये देखें कि प्रॉपर करने से भी ये इसने यही चीज कर दी है कि उसने बिल्कुल इस साथ लगा दिया लेफ्ट साइड पे, ये प्रॉपर हमारा जो होगा इस तरह से होगा, यानी कि हम लोग अपने टेक्स्ट को फॉर्म करना चाह रहे हैं, उसको फॉर्मेट करना चाह रहे हैं, और टेक्स्ट हमारा मिडल में लिखा हुआ है, मुख्तलिफ जगह पे लिखा हुआ है। सपोज कि ये वाला जो टेक्स्ट है ये यूं लिखा हुआ है, दूर 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 भी लिखा हुआ है, और ईस्ट, और यहाँ पर आपके वेस्ट भी लिख दिया हमने, और ऐसे अजीब सा ये लिखा हुआ है, और इसके अंदर स्पेसेस भी काफ़ी सारी आ रही हैं, ठीक है। तो हम लोग जब इसको प्रॉपर का हमने यहाँ पर फार्मूला लगा दिया, अब हम इसको ड्रैग करके देखते हैं कि जो हमारे ख़राब हुए हैं, जैसे ये वाला, ये तो हमारे बिल्कुल साथ में लग गया लेफ्ट साइड पे। अब जो आपका एक इसके ऊपर जैसे ये यहाँ पर हमारी स्पेसेस आई थी ना, यहाँ पे हमारा ट्रिम का फार्मूला आना चाहिए था। अब यहाँ पर जैसे ट्रिम के फार्मूले के अंदर हम लोग देखें, देखें ये वाला क्या करता है। अब यहाँ पर जैसा से ये वाली मैंने स्पेस दी है यहाँ पे दरमियान में इन दोनों के, तो यहाँ पर उसने स्पेस रिमूव करके उसको ट्रिम कर दिया, ट्रिम करके उसने लेफ्ट पे लगा दिया। प्रॉपर वाले फार्मूले में उसने सिर्फ उसको लेफ्ट पर किया है, जबकि उसने जो दरमियान वाले हमने स्पेस छोड़ दी थी बिला वजह की, या साइडों में जो स्पेस थी वो नहीं उसने काउंट की। तो आपके जो साइड ये जो यानी कि ये दोनों अलग अलग से फार्मूला, एक ट्रिम, ट्रिम आपका जो फार्मूला है वो आपका पूरा प्रॉपर ट्रिम कर देता है, जो एक्स्ट्रा स्पेसेस आपने कहीं दे दी हैं गलती से या आपके टेक्स्ट के अंदर आ रही हैं तो वो रिमूव होकर आपका प्रॉपर एक टेक्स्ट बन जाएगा, और प्रॉपर जो है वो आपका सिंपल आपका सिर्फ लेफ्ट साइड पे उसको मूव कर देता है। एक और हम लोग फार्मूला इसके अंदर कर लेते हैं, जिसके अंदर उस अपर, जैसे हम लोग अपर केस देना चाहते हैं हम अपने टेक्स्ट को, तो एक हम लोग ये अपर का भी फार्मूला इसमें देख लेते हैं कि अपर का कैसे है, कि यहाँ पर इक्वल टू अपर, ठीक है। इसमें हम लोग टेक्स्ट दे देते हैं ये वाला, यही वाला, और यूँ। अब ये देखें ये वाला जो है पूरा अपर केस में ही आ गया आपके पास, ठीक है। अपर के ये लिखा हुआ सेंटेंस केस में, तो ये हमारे पास, हमने अपर का फॉर्मूला लगाया तो ये सारा हमारे पास अपर केस में आ गया। तो इस तरह से अगर हम लोग चाह रहे हैं कि अपर के अलावा एक लोअर केस भी है, इसको ये लोअर लोअर का फार्मूला भी इसके ऊपर लगा देते हैं। एक हमारे पास ये लोअर का फॉर्मूला में इक्वल टू लोअर,
इसी को ही दे देते हैं। हमारे पास ये लोअर में लिखा हुआ है, अब इसको देख के देखते हैं कि जो हमारे पास अपर में है वो लोअर में जाता है। तो ये हमारे पास, ये देखिए ये अपर में था तो ये हमारे पास लोअर में चला गया। ठीक है जी, ये एक अपर हो गया, एक आपका लोअर फार्मूला हो गया, एक आपका है लेफ्ट राइट है। जैसे हम लोग, एक आपके पास कुछ लंबी लंबी सी स्टेटमेंट लिखी हुई है, तो हम लोग उसको, हम पूरे टेक्स्ट को नहीं लिखना चाह रहे बल्कि हम लोग उसको सब्स्टिट्यूट करना चाह रहे हैं, कुछ टेक्स्ट को या एक लेटर को बीच में से हम लोग उसको सब्स्टिट्यूट करना चाह रहे हैं। कहीं पे हमारी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है तो हम लोग एक चीज़ को सब्स्टिट्यूट करना चाह रहे हैं। तो सब्स्टिट्यूट करने के लिए इसका सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला भी देखते हैं। सब्स्टिट्यूट के अंदर इक्वल टू, अब क्या गया आपके साथ पास सब्स्टिट्यूट, ये वाला फॉर्मूला हमने लगाया और वो कह रहा है, हमारे से पूछ रहा है किस चीज़ को आपने सब्स्टिट्यूट करना है। अब जैसे से यहाँ पे मिल्क है तो यहाँ हम फॉर्मूला में चले जाते हैं, ये वाला हमने दे दिया। ओल्ड टेक्स्ट वो कह रहा है क्या चीज़ है, ओल्ड टेक्स्ट है कहते हैं ये मिल्क है, ठीक है न्यू टेक्स्ट इसको रिप्लेस कर दो। मिल्क पैक, ठीक है। तो और इंस्टेंस नंबर ये देते हैं, अब ये देखें इसने इसको मिल्क पैक दे दिया। अब जहाँ जहाँ पर हमारा होगा मिल्क लिखा होगा तो यहाँ पे वैसे उसने रिप्लेस कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया इसको, यानी कि हम लोग मिल्क को इससे सब्स्टिट्यूट करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे हमने इसको सब्स्टिट्यूट का फार्मूला दे दिया। ठीक है, अब जैसा से हमने सम इफ या काउंट इफ वगैरह का फार्मूला चेक किया था, आप उसको भी चेक कीजिएगा कि सम इफ में जैसे हम लोग जाके जहाँ जहाँ पर जो भी वैल्यू होती है उसके सामने वाली उसको दे देते हैं, तो वो हमें पूरे सिर्फ उस उनकी हमें सम देता है। ठीक है, तो एक वो भी आप लोगों ने इसको चेक करना है, प्लस ये एक सब्स्टिट्यूट का फार्मूला आपके पास आ गया। इसके बाद फिर अब जैसा से ये वाला पूरा जो टेक्स्ट है आपका मिडल में हुआ है आपका, मैं चाह रही हूँ कि ये मेरे पास लेफ्ट में आ जाए, तो एक लेफ्ट का भी है हमारे पास फार्मूला, लेफ्ट लेफ्ट अलाइन करने के लिए टेक्स्ट को, तो उसमें लेफ्ट में भी करके देख लेते हैं, राइट में भी करके देख लेते हैं क्या होता है। इक्वल टू लेफ्ट इज इक्वल, यहाँ पर हम लोग ये दे सकते हैं, और ये लेफ्ट वाला जो है ना हमारे पास एस आ गया। जैसे हम लोग अगर कोई एब्रिविएशन देना चाहते हैं कोई सी भी किसी भी चीज़ के, हम पूरा नहीं लिखना चाहते हैं, हम लोग सिर्फ एब्रिविएशन लिखना चाहते हैं, तो ये लेफ्ट में हमारे पास, अब वो एक एक और यहाँ पर नंबर मांग रहा है कि अगर आप लेफ्ट में जैसे नम चार्ट्स में सेकेंड वाला जो है देना चाह रहे हो, ये दो नंबर मैंने देना चाह रही हूँ एस ओ है, जैसे साउथ को वो एस ओ सिर्फ लिखे, अगर हम लोग तीन नंबर देना चाह रहे हैं इसमें तो ये तीन एस ओ यू जैसे लिखा हुआ आएगा। अब इसी तरह से हम लोग एक राइट का भी फार्मूला है इसके अंदर, राइट के फार्मूला के अंदर सिर्फ हमारे पास राइट वाला जो है वो आएगा, राइट में जाके इसी तरह से यहाँ पर राइट में मैं कह रही हूँ उसको कि मेरे पास जो लास्ट वाले थ्री हैं राइट से थ्री, तो राइट से थ्री मेरे पास बनते हैं यू टी एच, तो ये हमारे पास राइट में थ्री बन गए यू टी एच, उसने उसने काउंट कर लिया, काउंट करके खुद ही से राइट वाले दे दिए, उसने एब्रीविएशन जैसे हमने बनाना चाह रहे हैं। तो हम लोग इस तरह से राइट लेफ्ट में से लेटर्स चूज कर सकते हैं अपने टेक्स्ट में से। इसी तरह से राइट लेफ्ट के अलावा मिड में से अगर आप लोग कोई चीज़ देना चाह रहे हो तो एक मिड का भी फार्मूला है, मिड के अंदर भी जैसे इक्वल टू लगा के मिड करें और मिड के अंदर
भी साउथ में ही मैंने दिया, और मैं इसी तरह से मैं मिड में चाह रही हूँ कि थर्ड हो, फिर क्या होगा? स्टार्ट नंबर वो कह रहा है किस नंबर से आपने स्टार्ट करना है, SOU, थर्ड नंबर से मैं कह रही हूँ उसको स्टार्ट करो, और यहाँ पे फोर दे देती हूँ, तो ये आ गया हमारे पास यू, उसने थर्ड नंबर से स्टार्ट किया, यू और TH वो कह रहा, ठीक है UTH, ये मिड से मैंने उठाई ये चीज़ें, तो मिड से उसने UTH उसको कर दिया। अब यहाँ पे फोर से करके देखते हैं कि यहाँ पे फोर से करने से क्या आता है, फोर और यहाँ पे फाइव, तो ये हमारे पास यू की बजाय TH आ गया, यानी जहाँ से भी हम करना चाह रहे हैं उसको मिड से उठाना चाह रहे हैं लेटर को, उसकी एब्रीवेशन बनाना चाह रहे हैं, हम लोग इसको एब्रीवेशन वगैरह बना सकते हैं, ठीक है जी। अब